एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपने शोहर जी का बर्थडे की वीडियो। तो फिर वैसे तो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। और उन्हें बर्थडे वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन बर्थडे वगैरह जो है वो नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर मैं यह सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ दूँ और देखूँ कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। डांट पड़ती है मुझे कि फिर अच्छा लगता है उन्हें। तो चलिए, ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मुझे डांट पड़ी कि फिर वो खुश हुए हैं। तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, और मैंने क्या बनाया है उनके लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए। तो आप लोग उसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं और लेके आते हैं, इससे पहले कि सरप्राइज़ ना रह जाए। और वो सोच उन मतलब उनको कोई आइडिया नहीं है, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, देख सकते हैं कितना सूजा हुआ है। दांत की वजह से ना पूरा इस साइड का पूरा जो है बहुत दर्द कर रहा है। तो फिर बस छोटा मोटा सा थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनको पसंद नहीं है तो फिर हमें लगता है कि वो गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं। अगर डांट पड़ भी गई तो क्या, थोड़ा बहुत डांट भी सुन लेंगे, पर थोड़ा सा करके देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मार्केट बेकरी पे। तो आप देख सकते हैं इतने मस्त मस्त से केक थे। सबसे मतलब मुश्किल काम होता है इसको डिसाइड करना। तो वहाँ से मैं लेके आ गई, और वो गए हैं मुँह हाथ धुलने, तब तक मैं जल्दी से निकाल देती हूँ दस्तरखान। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि दस्तरखान भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो चलिए कोई बात नहीं, और इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया है, अब उनका इंतज़ार करते हैं, वो आते ही होंगे बस। तो फिर देख लेते हैं थोड़ी देर। थोड़े से वीडियो मैंने कट कर दिए क्योंकि बहुत देर में आए थे, मुँह हाथ धुले उसके बाद आए फिर। तो हाँ, हाय हाय, इतना सुकून, आपको पता नहीं था? नहीं, मेरे पता ही नहीं था। इनको तो याद भी नहीं था कि मेरा बर्थडे है आज। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, केक की कटिंग करते हैं, और आप लोग खूब सारा अच्छा अच्छा कमेंट करिए, जिसे सुनने के बाद ना मेरे शोहर जी एकदम खुश हो जाएं। तो फिर चलिए केक कटिंग करते हैं, और अच्छी अच्छी सी दुआएं दीजिए इनको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिनहाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कितने ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह। तो ना मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ वाकई में मतलब ये खुश हैं। तो बस, तो उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह खाया, और बहुत अच्छा सा केक था, और खाने का टाइम था ये दोपहर का, तो फिर इसीलिए हम लोग ना मतलब सिर्फ केक ही खाए और कुछ नहीं खाए थे, ये देखिए। और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ लाई भी नहीं थी। तो अभी आप लोग देखिएगा रियलिटी। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, खूब अच्छे अच्छे से दुआएं दीजिए इनको, और अच्छा अच्छा सा कमेंट करिए जिसको सुनने के बाद एकदम खुश हो जाएं। और यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये हकीकत। देखिए, किसी को बुलाया भी नहीं। किसी भी चीज़ में तब मज़ा आता है जब एकदम ओरिजिनल चीज़ दिखता है। तो यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा करके आधा केक तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का है, मतलब 7 मई को। तो यहाँ पे है इलेक्शन 7 तारीख को, तो हम लोग गए थे इलेक्शन मतलब वोट देने, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो बस आने के बाद जो है शाम को, उस दिन ना बहुत ज़्यादा दांत दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैं कुछ वीडियो ही नहीं बनाई और कुछ रेसिपी भी नहीं बनाई थी सही पूछे तो। तो आज मैं बना रही हूँ उनकी पसंद की कुछ रेसिपी, और यहाँ पे मैं दाल पीस रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ दही बड़े, जो कि हम दोनों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो बस, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, और इन सारी चीज़ों की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं शूट की है, और जो ये सारा सामान ईद का थोड़ा थोड़ा सा बचा था, बस वही सब डाल के और मैं ये शीर खुरमा और दही बड़ा वगैरह बनाई हूँ।
तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं बनाई थी चिकन की एकदम मसालेदार बिरयानी। इसकी वीडियो मैं शूट ही नहीं की थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गर्मी कुछ ज़्यादा ही है आज, तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि बस पूछिए मन। तो फिर मैं ना बिरयानी की वीडियो नहीं शूट की हूँ, क्योंकि जैसे एक घंटे में कोई काम हो जाता है ना, तो वीडियो के चक्कर में 2 से 2.5 घंटे लगता है। तो बस तो इसलिए मैं ना बिरयानी की वीडियो नहीं शूट की, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बना ली। और वीडियो लेट हो गई है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था और वीडियो टाइम भी नहीं मिल पाया। अभी शादी है ना हम लोग के यहाँ, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपनी तैयारी वारी भी करनी होती है, तो बस उसी में टाइम जा रहा है। तो बस शीर खुरमा की रेसिपी तो चलती रहेगी। और यहाँ पे आपने देखा बिना कुछ गिरे मेरे से कुछ हो सकता है, और कैमरे के सामने तो ज़रूर ही गिरता है कुछ ना कुछ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है सबकी लाइफ में। और बस मैं थोड़ी सी सेवई बनाई थी और एकदम थोड़ा सा दही बड़ा। तो बस आप लोगों को अगर ये रेसिपी और ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग बिना लाइक किए भूल जाते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केसर, जो कि सिर्फ 2 है और छोटी सी डिब्बी में रहता ही है, कितना रहता ही है, तो उससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही कलर भी अच्छा आ जाता है, थोड़ा तो ज़्यादा रहता है। तो 2 ही था इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दी, नहीं तो गर्म दूध में उसको भिगा के डालते हैं ना तो बहुत अच्छा सा कलर और फ्लेवर भी आ जाता है। और यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ अपने दही वड़े को, मतलब दही को नहीं। और बीच बीच में हम सेवई को भी, मतलब सेवई में भी ध्यान देते रहेंगे सेवई को भी। और यहाँ पे मैं डालूँगी ये मिल्क पाउडर, छोटा पैकेट जो होता है ना 10 रुपये वाला, उसको डालूँगी। और यहाँ पे ये है दाल, और मिल्क पाउडर को हम ऐसे पानी में घोल के या फिर दूध में घोल के डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि बिना खोआ डाले आपका आपकी सेवई जो बनेगी शीर खुरमा, उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। और दूध जो है वो 1/2 लीटर था, तो इसीलिए मैं उसको डाल दी हूँ। और दूध को खूब अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सेवई। और दही वड़े के बीच में, सॉरी वड़े के बीच में हम डालेंगे काजू, जो खाने में ना जब हम दही वड़े को खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब वो मुँह में आता है। आप किशमिश भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इतने अच्छे हमारे दही वड़े बनते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम फूले फूले से ये देखिए। और इसको ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्च, सॉरी भुना हुआ ज़ीरा और लाल मिर्च जो होती है, मतलब दही वड़े का मसाला कह लीजिए। तो बस उसको डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त बने हैं। और मैं एक ट्राई की कि देखें अच्छा है कि नहीं, कि बहुत अच्छा था। और उसको हम डाल देंगे थोड़े से हींग वाले पानी में। हींग डाला है और दही वड़े का मसाला डाला है और काला नमक डाला है और हल्का गुनगुना पानी है। थोड़ा सा मैंने दही भी डाल दिया था, तो उसमें थोड़ी देर भिगोएंगे 3 से 4 मिनट, उसके बाद निकाल के फिर ऊपर से हम दही डालेंगे। और यहाँ पे मैं जब डाल रही थी क्या डाल रही थी, चीनी, हाँ तो चीनी डाल रही थी, तो चीनी थी ही नहीं, बस इतनी ही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि फीका ना पड़े, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया है और फिर मुझे बाज़ार ना जाना पड़े, मैं ध्यान ही नहीं दी थी। फ्रेंड्स हम लोग ना सुबह चाय नहीं पीते हैं जल्दी, कभी कभी बाय चांस मन हुआ हफ्ते में 1 या 2 दिन, बस वैसे हम लोग चाय नहीं पीते, तो याद ही नहीं था कि हाँ चीनी जो है वो लाना है। तो बस अब हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शीर खुरमे का दूध जो है वो अच्छे से पक गया। और यहाँ पे देखिए पसीना पूरा इस कदर भीगा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी ये सब करूँ, उसके बाद मैं सब समेट के फटाफट से बिरयानी बनाना स्टार्ट करूँ। चिकन तो मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ है, चावल भी भिगो दिया है, और बस खाली थोड़ा सा एक तरफ चावल बना चढ़ा देंगे और एक तरफ वो क्या कहते हैं चिकन, तो फटाफट से बन जाएगी। तो फिर फ्रेंड्स ज़्यादा हम वीडियो तो शूट नहीं किए हैं, जो किए हैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं। यहाँ पे सिवई जो है वो हल्की सी हम सेक के रखे थे, तो उसको हम डाल देंगे क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा घी में भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे शीर खुरमा में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, तो एक कटोरी में हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है, एकदम गाढ़ी दही को, रायता नहीं है ये है कचूमर, बिरयानी के साथ जो खाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें हम डालेंगे खीरा, टमाटर, प्याज और ये पुदीना, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को ना मैंने एकदम बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब एकदम गाढ़ी और फिटी हुई दही में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए जो हमने सैलड वगैरह काटा था ना,
तो फ्रेंड्स उसको डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे अपने दही बड़ा वाला मसाला, मतलब जिसमें है भुना हुआ ज़ीरा और हल्की सी सेकी हुई लाल मिर्च और काला नमक। तो थोड़ा सा सादा नमक भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। एकदम ज़बरदस्त सा रायता बनके तैयार होता है। तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये जब खाना हो ना तब बनाइए, तब बहुत अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक जो है पुदीने की पत्ती जो है वो लगा देते हैं, उससे ढक के हम फ्रिज में रख देंगे। तो जो है अब हम फटाफट से बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना ही सारा वीडियो में डालना था। और दही वड़े को जो हमने भिगोया था ना पानी में, ये देखिए कितना अच्छा सा ये फूल चुका है। और ये ऐसा इस तरीके से ना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब बनाती हूँ तो बनाते टाइम ही एक दो खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद फिर चटनी वटनी डालती हूँ। तो यहाँ पे है सेवई और यहाँ पे मैं बिरयानी बना के निकाल भी ली हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम मसालेदार रही। कह रहे थे कि आज पिछली बार हम बनाए थे ना तो ये कह रहे थे कि मसाला थोड़ा कम है, और अब की बार हमने कहा लाओ फिर मसाले ही, मतलब प्याज है लहसुन अदरक और खूब अच्छा सा मसाला जैसे बनता है। तो वो वाली बिरयानी की वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। तो ये शाम को आ गए हैं और बस एकदम खुश हैं माशाल्लाह। यहाँ पे ये मेरे उम्मीद से ज़्यादा ही खुश थे, तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये देखिए कशुमर सेवई और दही बड़े और बिरयानी, बिरयानी इनको इतनी पसंद आ गई थी कि दही बड़ा तो ये खाए ही नहीं। फिर मैंने कहा कि इतनी मेहनत से बनाई हूँ थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, बोले बिरयानी इतनी अच्छी थी कि मन भर गया, और सेवई जो है वो इतनी अच्छी थी। तो फिर एक वो सिर्फ खाए थे, उसके बाद ये सुबह खाए थे, तो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। बिरयानी मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से मैंने बिरिस्ता नहीं डाला है, मतलब फ्राई की हुई प्याज नहीं डाली है। ये बोलते हैं कि मुंह में आते हैं ना तो फिर ऐसे मतलब मीठा मीठा सा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्ती बिरयानी बन के तैयार है, और बहुत अच्छी बनी थी, वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और बस मैं वही चीज़ क्या शूट करूं, इसीलिए मैंने शूट कुछ भी नहीं किया। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, मन कर रहा था बस फटाफट से बना के हटो। तो ये देखिए इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बस खाए जा रहे थे। और सबसे मुश्किल काम होता है ना इनसे रिएक्शन लेना, मतलब कैसी बनी है इंसान खा के बताता है, बस खाते रहो खाते रहो। तो फिर ये बताया कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बिरयानी सेवई दही बड़े की रेसिपी का लिंक ऊपर आए बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो फिर ईद वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। ईद वाली बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी हम लोगों की। तो फिर जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा बना था। और जब अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है ना तो फिर दिल और खुश हो जाता है। जी वैसे तो पता नहीं है, मतलब एग्जिट बर्थडे की डेट जो है वो पता नहीं है, पहले के लोग कहाँ इतना ध्यान देते थे। पर ना मैं वो इलेक्शन था ना, ये इलेक्शन इलेक्शन देने के लिए मैं इनका इलेक्शन कार्ड निकाली, तो मुझे दिख गया कि हाँ इनका जो है बर्थडे 6 मई को रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा सरप्राइज भी करती हूँ इनको, बस इसलिए थोड़ा सा ट्राई किया। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पे खाना पीना सब हो गया है, इनको बिरयानी भी बहुत अच्छी लगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।